गाइज साबरमती रिवर आ चुकी है। धीरे धीरे आराम से। कॉफी नहीं, नेस्कॉफी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर इन द ट्रेन एंड वी आर एट द अहमदाबाद एंड हियर इज टिक टिक। हाय टिक टिक। हाय हाय, गुड मॉर्निंग चाय के साथ अहमदाबाद में। रात को लगभग 12:30 बजे मुंबई से हमारी ट्रेन रवाना हुई थी, वो लगभग सुबह 8 बजे के आसपास पहुंची अहमदाबाद। अहमदाबाद का पोहा और चाय और इसमें है टुक टुक की सैंडविच। गाइज साबरमती रिवर आ चुकी है, कितनी शानदार लग रही है यार। बहुत बड़ी और बहुत ही शानदार लग रही है। विशाल है अहमदाबाद में, इसका पानी तो ट्रेन नहीं गिरेगी। ट्रेन आपके कहने से थोड़ी गिर जाएगी। गिरा दूंगा। चोल लगा के हैशा। चोल लगा के हैशा कर रहे। गिर जाएगी तो दूसरा ट्रेन आएगा। बेटा किसी और को गड्ढे में गिराने से पहले हम खुद ही गिरेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करते। ऐसे नहीं करते बेटा। ट्रेन आ गई है मेहसाणा स्टेशन पे और मैंने लिए है मेहसाणा के भुजिया, जो कि बहुत ही फेमस है। और बारिश आने लगे हल्की हल्की, इक्के दुक्के छींटे आ रहे, तो फटाफट मुझे वापस ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा भाई। लो भाई, मेहसाणा रा भुजिया। मेहसाणा रा भुजिया, हाँ खाओगे टूटू? नहीं नहीं नहीं। तो गाइस अब हमारी आ गई सैंडविच। और अभी ट्रेन यहाँ रुकी हुई है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। भैया आप आलू का पराठा खाओगे ना? आई थिंक क्रॉसिंग है यहाँ पर, इसलिए रुकी हुई ट्रेन। खेलते खेलते खिला दूंगी ना मुंह में। आप खेलते जाना, मैं खिलाते जाऊंगा, फिर पराठा ठंडा हो जाएगा। मैं उधर आ जाऊंगा ना आपके पास, चल के आ जाओ, खेलते भी जाएंगे हम, खाते भी जाएंगे। ओके, थोड़ी देर ट्रेन से बाहर का नजारा देख रहा हूँ और काफी स्पीड में चल रही भाई। अब सो जा टुकड़ू थोड़ी देर यार, तो कैमरा भी सो जाएगा। कैमरा को भी सुला देंगे, फिर आपको भी सुला देंगे। पैर पैर उठ जा, उठ जा पैर, उठ जा, अब सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, या या गाइस देखो ट्रेन में हमने ब्रिज बना दिया और नीचे से ट्रेन निकली। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है पालनपुर जंक्शन पर और हम नीचे उतर गए भाई। यहाँ पर थोड़ी देर रुकी है पता नहीं क्यों, तो मैं टुक टुक को नीचे लेकर आ गया और थोड़ी देर घूम लेंगे। ट्रेन में बैठे बैठे परेशान हुआ, इस पर नीचे इस पर खड़ा मत हो, इस पर खड़ा मत हो, लग जाती बेटा ऐसे काम नहीं करना, उल्टा पुलटा। गाइस क्या बड़ा तिरंगा लग रहा है, वाओ ये देखो गाइस क्या बड़ा तिरंगा लहरा रहा है, शानदार। जय हिंद। भाई हम ट्रेन से उतर के नीचे आ गए और स्टेशन पे बैठे आराम से, लेकिन यहाँ पर बहुत धूप लग रही है और धूप है तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही धूप से, ऐसा आंखें बंद सी हो रही है क्योंकि रात भर से ट्रेन में बैठे हैं और अभी नीचे उतरे और धूप में भाई खतरनाक, मतलब धूप लग रही है, आंखें नहीं खुल रही, सबसे बड़ी बात रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है ऐसा लग रहा है। थोड़ा डर लग रहा है मुझे, लग रहा है कि क्योंकि 3 मिनट में चल जाती है ट्रेन, तो क्या मुझे डर लग रहा है हम बाहर छूट जाए, 3 चल जाएंगे। और इसीलिए तो मैं ट्रेन पर नजर रख रहा हूँ, आपके पीछे ट्रेन आ रही है, वो चलेगी तो मैं आपको लेकर ट्रेन में चला जाऊंगा। बाहर बैठे थे, बाहर तो बहुत धूप लग रही है, अंदर ही अच्छा है। हाँ वो मामा से करो यार, अरे मेरा कट बोल जाएगा, मामा को एक्सपीरियंस होगा, मामा फाइट कर रहा है। ये भाई साहब बॉक्सिंग के कोच, एक्चुअली टुक टुक को बॉक्सिंग सिखा रहा है। मुझे ऐसी की फीलिंग आई नहीं रही क्यों?
ट्रेन में ऐसा माहौल हो गया ना, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे जनरल का डब्बा है। सब आ रहे हैं, चैन, नाश्ता पानी, मतलब पेपर सोप सब सब मिल रहा है, मतलब छाछ क्या नहीं मिल रहा है इस ट्रेन में भाई, सब मिल रहा है। चकने, चना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता। हाँ सलाद भी मिल रहा है, ककड़ी टमाटर क्या खाना होगा, मतलब आप डिमांड करो। चना मसाला भेलपूरी, सबसे बड़ी बात है थर्ड एसी है, थर्ड एसी के अंदर भी सब मिल रहा है। जीजा को भी चाहिए चिंगम चॉकलेट आ गई भाई। चॉकलेट ले जाओ और बेच दो, बेच देना डबल रेट में। बाजरा काट भी दिया और बाजरा निकाल रहे हैं इधर। वाह यार, हमारे राजस्थान में तो अभी बुआई भी नहीं हुई है और इधर बाजरा पक गया है, बाजरा निकाल भी दिया है। बहुत ही शानदार गुजरात से हम निकलते हुए भाई और वापस राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेन आ चुकी है आबू रोड और आबू रोड पे मैंने ली है रबड़ी। भाई आबू रोड पे रबड़ी बहुत चलती है। सिकोरों में देते हैं, एक ऐसा लकड़ी का चम्मच देंगे आपको और थोड़ी सी रबड़ी देंगे। वो माउंट आबू की पहाड़ियाँ दिख रही गाइस ये सामने देखो, बहुत ही बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, ये माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं और अभी भी इस पे ऐसा लग रहा है जैसे बादल छाए हुए हैं। आप तो कह दो कि फ्री में एक भी चीज़ मिल गई, अब देखो फ्री में मिलने लगी। ये फ्री नहीं है, गिफ्ट है ये। फ्री में मिलने नहीं लगी, ये गिफ्ट है। वो तो सारी थाली पैक कर रखी हमने तो, रोटी तो है नहीं, तो मैंने कहा बना दो ना वापस। फिर उसको जो कुक था उसको जाके बोला भाई ये रोटी बना अर्जेंट में, तो फिर उसने गरम गरम रोटी बनाई टुक टुक के लिए और तब तक मुझे वेट करना पड़ा। रोटी वो लेकर आया और रोटी दी और मैं आने लगा और उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई और एक छोटी सी टॉय कार दी, बोले बच्चे के लिए आप लेके जाओ। ट्रेन आ चुकी है मारवाड़ा जंक्शन पर। बाहर क्या तगड़ी गर्मी पड़ रही है भाई, खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। मुंबई की गर्मी पता, राजस्थानी गर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। मुंबई में क्या उमस है लेकिन वो सहन हो जाती है और इतना भयानक नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर इतनी खतरनाक, मतलब ये अभी मैं यहाँ ट्रेन में इस जगह खड़ा हूँ और नीचे से मतलब जैसा ऐसा लग रहा हूँ जैसे आग निकल के आ रही है और इतनी गर्म हवा आ रही है उफन रही जैसे। ट्रेन की हॉर्न की आवाज क्या भयानक लगती है। तो भाई मारवाड़ जंक्शन पे हमारी ट्रेन आके रुक गई है क्योंकि स्टेशन पे ट्रेन आई है 20 मिनट पहले और ये ट्रेन हमेशा अर्ली चल रही है, हर स्टेशन पे ये पहले ही पहुंच जाती है और फिर स्टेशन पे जाके पड़ी रहती है आराम से। अभी भी इसको रवाना होने में 10 मिनट लगेंगे भाई। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, 20 मिनट हो गया चली नहीं। फिर मैंने टाइम देखा इसका, तो यहाँ पर जो इसका डिपार्चर टाइम है उसमें अभी भी 10 मिनट बाकी है, काफ़ी पहले आ गई है और काफ़ी देर से यहीं पे पड़ी है मारवाड़ जंक्शन पे और ट्रेन खाली हो चुकी है। देखो ऊपर कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, बीच में इधर भी कोई नहीं है, बस वो सामने दो हमारी सीटें हैं। टुक टुक और डिम्पी तो चादर ओढ़ के बैठे हैं, ठंडा लग रही है इनको ऐसे में। बाहर कितनी गर्मी बता आपको, भयानक, अरे भाई मेरे ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी चल रही है। हाँ इतनी गर्मी है और अंदर एसी में आराम से बैठे हैं। टुक टुक तो बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर ही चला गया। तो गाइज नेक्स्ट स्टॉप हमारा ही है और कुछ ही देर में हम भाई ट्रेन से उतर जाएंगे और हमारी जर्नी एंड हो जाएगी और हम घर पहुंच जाएंगे। तो बैग वगैरह हमने बाहर निकाल लिया है और अभी हम थोड़ी देर में उतर जाएंगे। फोन कर दिया है भैया और बाबू हमको लेने आ जाएंगे स्टेशन। गाइज बाहर ऐसा लग रहा ना जैसे बारिश हो रही है या फिर आंधी आ रही है इस तरफ, ये देखो बादल ही बादल हो रहे हैं। चलो टिम्पी गई लेके सामान, ये बड़ा बैग मैं ले लेता हूँ भाई, दो बैग मुझे लेने। चलो 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 बारिश आ गई, ऊपर ऊपर चलो ऊपर चादर। हाय बाय करो, बाय बाय, क्या बात है, बाय बाय। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, आराम से आराम से बच्चों। मेरे को आ चुकी है गाइस, अरे ये तो हाथ छोड़ा के भाग जाएगा नहीं तो। आराम से, अरे भगवान, दो दिन की जर्नी। हेलो भैया, भैया भी आ चुके हैं,
प्रणाम भैया। बाबू भैया और मेघू हमको लेना आ गया है। जैसे ही हम नीचे उतरे और बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई, हम बारिश लेके आए मुंबई से। क्या मस्त मौसम हो गया है, जो गर्मी का मैं सोच रहा था वैसी गर्मी नहीं है, और बारिश आने से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और बारिश आ रही है। अभी तो हमें फ़िलहाल वहाँ मेन स्टेशन गेट तक जाने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि बारिश आ रही है, हम भीग जाएंगे। यहीं रुक जाओ थोड़ी देर, यहीं रुक जाओ। ये देखो बारिश आ गई, वाह भीग जाओ, रुक जाओ आप। भैया तो गए भेग लगे। ऊपर की तरफ जा रही है मालगाड़ी और बारिश आ रही है, क्या मस्त मौसम हो गया। मिल गया, कहाँ मिला? पा करो, जबरदस्त वाली बरसात आ रही भाई। ये देखो भीगने से बचने के लिए वहाँ पर छुप गए नीचे। वो देखो दो नंबर प्लेटफॉर्म से हमको आना था एक नंबर पे और इधर से हमको जाना था बाहर, तो हमने ये पुल क्रॉस किया और फिर हम नीचे भी नहीं जा पा रहे क्योंकि बारिश आ रही है। तो भीगने से बचने के लिए हम अभी यहाँ पुल के नीचे खड़े हैं। तो गाइस बारिश रुक चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर। थोड़ी सी देर बारिश आई 10 मिनट, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, ठंडा मौसम हो गया बारिश का आने से। दोनों को देखो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन मिल चुके हैं वापस गाइस। अरे बच्चों का मिलन देखो, तीनों बच्चों का मिलन हो रहा है। टुक टुक मैगी और टिंचू उनको दबा दिया, बस बस सब चिपक रहे एक दूसरे के। नौ दिनों के बाद में तीनों बच्चे साथ में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर पर भाई, और इसी के साथ हमारी मुंबई की जर्नी खत्म हो चुकी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर पहुंचने का जो सुकून है काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरी यात्रा शानदार रही, बहुत बढ़िया रही, और हम आ चुके हैं घर पर। अब एक बार फटाफट मैं नहा लेता हूं भाई। ये है भाई मेघू की ड्रेस जो डिम्पी लेके आई मुंबई से। हाय डिम्पी। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, वी आर एट होम। हमारी जर्नी सकुशल कंप्लीट हो गई। तो गाइज आज हमारी मुंबई की जर्नी खत्म हो चुकी है और हम घर पर आ चुके हैं। खाना पीना हो चुका है और अब भाई मैं करूंगा काम। मुंबई जैसी है एज इट इज वैसी मैंने ब्लॉग्स में दिखाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुंबई के ब्लॉग्स आपको पसंद आए होंगे। तो आज के इस ब्लॉग को अब यहीं खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। Oh, 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 oh